हेलो दोस्तों, आज हम कटहल की सब्ज़ी बना रहे हैं। और ये देखिए, हमने एक छोटी कटहल, करीब 1.5 किलो की कटहल थी, इसको हमने अच्छे तरीके से काट लिया है। अब इसमें हम इसको बॉयल करेंगे अच्छे से। और इसको ये देखिए, पानी हम ऐड कर रहे हैं अब इसमें, और अच्छे तरीके से बॉयल करेंगे, जिससे इसका जो चिपचिपापन और जो इसका दूध वगैरह जो कहते हैं निकलता है, जो चिपचिपापन रहता है, वो सब ख़त्म हो जाए इस कारण से, और टाइटपन, और ये वॉइल भी अच्छी हो जाए, पक भी जाए अच्छे से, जिससे हम मसाले में और पानी में भी थोड़ा पकाएंगे, इतना पकाएंगे इसको, वॉइल करेंगे। और ये देखिए, वॉइल हो गई है कटहल, काफ़ी अच्छे से वॉइल हो गई है। और ये सारे गरम मसाले और प्याज लहसुन अदरक, और ये पेस्ट है गरम मसाला और प्याज लहसुन अदरक का। और अब इसको हम बनाएंगे, और इसको अब बनाएंगे। ये देखिए, अब हम इसमें कढ़ैया में ऑयल डालेंगे, और ये तेल हमने डाल दिया है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन डाल दिया है खड़ा। अब इसको थोड़ी देर भूनेंगे, जिससे फ्लेवर अच्छे से उतर के आए सब्ज़ी में। और ये सारे गरम मसाले और प्याज हमने डाल दिया। अब इसको भी थोड़ा ब्राउन होने तक भूनेंगे, जिससे अच्छे से ब्राउन हो जाए। और देखिए, अब इसको थोड़ा सा हम चलाएंगे, और इसको ब्राउन होने तक इसको अच्छे से पकाएंगे। ये पक गया, ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम जो पेस्ट ग्रेवी जो इसकी तैयार किए हैं, वो ग्रेवी डालेंगे। और ग्रेवी, ये देखिए, ग्रेवी हमने डाल दिया है। अब ग्रेवी को हम अच्छे तरीके से पकाएंगे, जब तक पकाएंगे जब तक इसमें ये कलर चेंज ना हो जाए। और ये कलर चेंज हो रहा है धीरे धीरे, और अच्छे से जब तक पक नहीं जाएगा, जब तक हम इसको पकाएंगे, थोड़ा और पकाएंगे अभी, क्योंकि थोड़ा कम पका है। और इसकी एक खासियत है, मसाले पकने का पता ऐसे चलता है कि तेल अलग होता है और मसाला अलग होने लगता है, तब ये अच्छे से पक जाता है। और ये देखिए, कटहल अब पक गया है हमारा मसाला। इसको अब हम ऐड कर रहे हैं कटहल को, अब कटहल को भी, वॉयल कटहल को भी अब हम थोड़ा इसमें और भूनेंगे, जिससे कटहल के अंदर भी फ्लेवर, जो मतलब इस मसालों का जो टेस्ट है, वो सारा उतर के आए। और ये हम इसको थोड़ा चला लेंगे, जिससे सारे मसालों का टेस्ट एकदम, एक एक पीस में, कटहल के एक एक पीस में अच्छे से उतर के आए, खाने में अच्छी स्वादिष्ट सब्जी लगे। और इसको जब तक भूनेंगे, जब तक थोड़ा थोड़ा अच्छा कलर और अच्छा टेस्ट उतर के आ ना जाए, और थोड़ा बॉयल मतलब थोड़ा और पका देंगे, जिससे अच्छे से पीस जब खाएं तो अच्छे से पकी रहे। और दोस्तों, आप लोग भी बताइएगा कैसे कटहल की सब्जी आप लोग बनाते हैं घर पे, और हम और भी अलग ट्राई करेंगे कभी। और ये देखिए, हमने पानी डाल दिया है, अब इसको थोड़ा पानी के साथ पकाएंगे, और इसको अच्छे से पकाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, हम ढक दे रहे हैं, पानी हमने डाल दिया है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे, इसके बाद देखिए, इस अब हम हमारी कटहल की सब्जी एकदम रेडी है। अब हम इसको कटिंग करके देखेंगे, एक पीस या अच्छे से पक गई है, या फिर हम दोबारा फिर से पकाएंगे। ये देखिए, एकदम पीस एकदम अलग टूट रही है, एक एक पीस अलग टूट रही है, तो मतलब इसका मतलब पक गई है हमारी सब्जी। अब हम इसको परोसेंगे, एक बार और चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अच्छी तरीके से पक गई है। प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब यूट्यूब।